तळमळ माझी पुरवा मला रेणुका भेटवा तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं पहले तो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में काम करता था, वहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट था. फिर वहाँ पे मैं कोर्ट के काम वगैरह भी करता था. उसके बाद मैं अभी वो लेफ्ट आउट हुआ, उसके बाद मैं अभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हूँ, वहाँ पे मैं क्लाइंट कोऑर्डिनेशन करता हूँ. न्योनिश इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है. आप कहाँ काम करते हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल भारतीय वित्त भवन में मेरी जो मिस है वहाँ पे मैं कथक असिस्टेंट हूँ, और बोरीवली में भी मेरा एक क्लासेस है नटवली करके, वहाँ पे मेरा सैटरडे संडे क्लासेस चलते हैं कथक के एज अ टीचर. मैं तो फिलहाल मंगने ही जाती हूँ रोज, अगर अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट है उनके साथ पेंटिंग्स करने भी जाती हूँ अलग अलग सिटीज में. आपके प्रति आपके घर वालों का नज़रिया क्या है? जैसे जैसे जो बचपन हमारा गया है चाइल्डहुड में, घर वालों को मतलब नहीं पसंद था जैसे हमारा बिहेवियर था, जो मतलब हम जो मतलब जैसे बिहेव करते थे वो सब पसंद नहीं था. तो जैसे जैसे मतलब अभी सब कुछ एडवांस हो रहा है, अभी 377 भी पास हुआ है, वैसे वैसे सब अभी समझने लगे हैं और एक्सेप्ट करने लगे हैं, हाँ दैट वी आर हैप्पी विद आर चिल्ड्रन, दैट दे आर यूनिक, हम जरा यूनिक है. तो पहले उनको नहीं पसंद था क्योंकि समाज में लोग उनको ताने देते थे या मतलब कुछ बोलते थे अलग सा. तो अभी वो हैप्पी है जो भी हम हैं, हम यूनिक है, तो उनको अभी हमसे यूज टू इट है. तो आप जी, तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और समाज में इनकी जगह कहाँ पे? इनकी जगह देखो, हम अपनी जो सोच रखते हैं वो दिल में भी रख सकते हैं, और जो समाज के हिसाब से अलग अलग सोच होती है, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, अगर हम चाहें तो उनको ऊपर भी उठा सकते हैं और हम चाहें तो नीचे स्तर से भी देख सकते हैं. ठीक है, उनका मांगना यहाँ वहाँ ट्रेन में भी मांगते हैं, सिग्नल पे भी मांगते हैं, तो अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो अगर उनके बारे में हम सोचे तो ये सब ख़त्म हो सकता है. मैं गोरेगांव रहता हूँ, फैमिली के साथ में एक रेस्टोरेंट में गया था, तो सब बहुत सारी फैमिलीज भी थी वहाँ पे बैठी हुई, वो लोग सब जन इंजॉय कर रहे थे खाना. तो वहाँ पे आ गया एक चीज, लेकिन वो खुद ही शाय हो गया था, वो टेबल पे उसने बैठा नहीं, उसने अपना प्लेट ले लिया और साइड में खड़े रह के वो खा रहा था, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था. क्योंकि हम लोग ने फिर मैंने भी वेटर को बुला के इंसिस्ट किया कि भाई उनको एक बैठने के लिए जगह दे दो. तो वेटर ने भी चार को एक किया, लेकिन वो एक उनके मन में एक दड़पन आ गया, अगर मैं बैठूंगा खाऊंगा तो मुझे मतलब जो अदर बैठे फैमिलीज बैठे वो रिएक्ट कैसे करेंगे. जब तक का एक खुशी जीवन था, जब तक मेरी माँ सब लोग साथ में थे तब तक तब ऐसा कुछ लगा नहीं. पर जब मुझे सब मेरी असलियत पता चली और लोगों ने मतलब नहीं क्या एकदम अलग सा बिहेव करने लगा, जैसे कि सपोज़ कभी कभी मुझे बाथरूम आ जाती थी या कभी टॉयलेट आ जाती थी, तो लोग एकदम इससे देखते थे कि ये कौन आ गया यहाँ पे. तो कोई बोलता था वहाँ जाओ, तो कोई बोलता था यहाँ जाओ, तो ऐसे करके कभी कभी रुकाना पड़ता था. या गे है या ट्रांसजेंडर है, उनको कॉपी से निकाल देता, उनको काम पे नहीं रखा जाता, ऐसा क्यों? अगर ये देखा जाए तो आई विल ब्लेम द सिस्टम एंड आई विल ब्लेम द इंडिविजुअल चॉइस ऑल्सो. कोई मेरे सामने, अगर मेरे सामने एक आदमी आता है एंड मैं उसको क्वालिफिकेशन पूरा क्लियर करता है, जो काम का क्वालिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड है वो उसको मीट करता है, एंड मेरे को बाद में पता चलता है वो ट्रांसजेंडर है, आई एम नॉट कंसर्न वो पर्सनल में क्या है, उसका क्या रिलेशन है, वो कैसे रहता है, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. माई रिकॉर्ड शुड बी कि मेरे काम को वो पूरे तरीके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बस आई शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए और एक ऐसा ओपन होना चाहिए कंपनी या ऐसा कुछ ओपन करना चाहिए गवर्नमेंट में, जहाँ पे अनएजुकेटेड व्यक्ति को ट्रांसजेंडर को जॉब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जैसे वो भीख ना मांगेगी, क्योंकि आजकल उनको भीख भी ज़्यादा मिलती नहीं है. लोगों को लगता है कि इन लोग भीख मांगते काम नहीं करते, कोई भी हमको काम
पे रखने के लिए तैयार रेडी नहीं होता है कि अरे सुबह सुबह किसको देख लिया, सुबह 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 किसको देख लिया, किसको काम पे रखते हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, इक्विलिटी होना चाहिए। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या करते हैं रोजगार के? जैसे रोजगार के लिए पढ़ी लिखी रह के भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों मतलब अगर 10th पास होने के बाद जब मेरे फादर आतंकी हमले में ये एक्सपायर्ड हुए थे, वो ही वॉज वर्किंग इन ताज, सो उसके 10th होने के बाद मुझे वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी लगी उनके थ्रू, कुकिंग में शेफ्स के इसमें हाथ के नीचे मुझे कुछ जॉब मिला। हम में से ही कुछ लोग उन्हें ये दिखा देते हैं कि कहीं ना कहीं वो नीचे है, जो कि उन्हें नहीं, जो कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज हिंदुस्तान में जाति भेदभाव समाज के ऊपर जो चलता है उसके बारे में आपका क्या कहना है तीनों का? ऐसा तो बहुत सेक्युलरिज्म डेमोक्रेशन बहुत है, लेकिन जो हमारा समाज है, हमारे समाज में सब जाति के लोग हैं, हमारे में यूनिटी बहुत है, हम यूनिटी रखते हैं, हमारे में ऐसा जात भेद हम देखते नहीं, हम जो भाई बहन हैं हम सब एक ही है, हम जोगती समाज है, हम जोगती जाति के हैं, हम किसी का धर्म नहीं देखते कि तू अलग धर्म का है मैं अलग धर्म का, नहीं हम सब एक है, हमारे हम समभाव है और हमारे में वननेस है, हम वननेस क्रिएट करते हैं। और यही चाहता हूँ कि समाज में भी एक यूनिटी वननेस रहे और समभाव रहे, ताकि कोई किसी से पार्शलिटी ना करे, तू उच्च जाति का है या नीचे जाति का है। वो अपने पेट के लिए भी मेहनत कर रहे तो समाज में अगर उनको नौकरी हो, बिजनेस हो, कंपनी हो, मैं तो यही कहूँगा कि जिनके पास दुकानें हैं या कंपनी है वो उनको रखे, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। बहुत सारी संस्थाएं जैसे झाड़ू मारना या कुछ भी काम है, शौचालय की एक जगह है वहाँ बैठा दो, सारी सिस्टम में जो गवर्नमेंट के पास है करना चाहे तो कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि समाज हमें एक नज़र से देखे, यूनिटी रखे और वो यूनिटी में हमें भी शामिल करे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि समाज हमें एकता के नज़र से देखे, इक्वल राइट्स थे, क्योंकि हम भी यही समाज के हिस्सा है।